बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम अमार शेख एंड यू आर वाचिंग अमार फूड स्टोरीज। डियर व्यूअर्स, हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आपके लिए यूनिक सी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की रेसिपी भी बहुत ही यूनिक है। इस रेसिपी की यूनिकनेस ये है कि ये पिशावर की नमक मंडी की अलमशहूर पिशावे चिकन चरसी कढ़ाई है। ये बहुत ही कम वक्त में, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट के साथ बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत ही डिलीशियस बनती है। इस रेसिपी के अंदर जो ग्रेवी बनती है वो बहुत कम बनती है, लेकिन जो बनती है वो बहुत कमाल बनती है। इस रेसिपी के लिए जो कढ़ाई चाहिए वो डीप होनी चाहिए, और आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो सरफेस है वो फ्लेट नहीं है, और इसके आपने जो है वज़न 2 से 2.5 किलो है, और इसकी जो मोटाई है वो भी काफ़ी है, और थिकनेस की वजह से इसकी ये है कि इसके अंदर जो जलने का खर्चा है वो बहुत कम होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छी सी कढ़ाई लें और काफ़ी वज़न वाली हो, ताकि उसमें आपके लगने का ये जलने के खर्चा यहाँ पर चिकन आपने 1 kg ले लेना है, और इसमें जो बोटियाँ हैं उसके पीसेस अपने नॉर्मल साइज़ से करवाने हैं। नमक मंडी पिशावर में इसकी रेसिपी दुम्बे के जो चक्की होती है उससे तैयार की जाती है। इसको हम दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, दुम्बे की चक्की के साथ भी और ऑयल के साथ भी। इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है, लेकिन बाद में हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें 1 tablespoon नमक ऐड किया है, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं चिकन को, और चिकन को आपने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है, क्योंकि जिसके स्प्लैशेज़ हैं वो जब उछलते हैं तो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर आप इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, यहाँ तक इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता खुरपी को चलाना है, ऐसा ना हो कि अगर आप इसको तेज़ चलाएंगे तो इसके जो है टूटने के बोटियों के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यही वजह है कि आप इसको ग्रेजुअली एंड स्लोली आपने इसकी साइड्स को चेंज करना है। यहाँ पर हम बोटी को चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह हमारी बोटी जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर आकर हमने इसको ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है। ये देखें जी, हम जितना भी हमने ऑयल इसमें ऐड किया था उसको हम निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके नेक्स्ट मरहले में हमने जो है वो इसको टमाटर से हमने मज़ीद तैयार करना है। यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 5 कटे हुए टमाटर, और इन टमाटरों को हमने सेंटर से काट लिया है, और इनों को हम इस तरीके से इसके अंदर ऐड करेंगे कि इसका जो साइड्स हैं वो डाउनवर्ड्स हों, ताकि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिल सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम हो जाएं। और यहाँ पर हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कवर कर देते हैं, और इसको हमने 5 से 6 मिनट तक हमने इसको अच्छे से कवर किया, और अब हम जो है इसकी कवर को रिमूव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें जी माशाल्लाह इसके जो पील्स हैं टमाटो पील्स को हम बासानी से उतार सकते हैं, और कितने आसानी के साथ ये उतर रहे हैं। 1 by 1 हम इनको रिमूव कर लेंगे, और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस पॉइंट पर आपने जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा कम कर देना है। तो 1 by 1 हम इनको उतार चुके हैं, और अब बारी आती है टमाटर को मैश करने की। अब आपने टमाटर्स के जो पल्प हैं उनको साइड पर लेकर आना है, और तेज़ी से आपने इनको मैश करना है इसी कढ़ाई के अंदर साइड पर। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने मैश करते वक्त किसी भी बोटी को बीच में नहीं लेकर आना, वरना बोटी टूट जाएगी और आपकी कढ़ाई की जो खूबसूरती है वो कम हो सकती है। तो यहाँ हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह सारे हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब कोई भी टमाटर ऐसा नहीं है जिसको हमने मैश ना किया हो। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यहाँ तक कि इसकी अंदर एक सैचुरेशन क्रिएट हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कढ़ाई के अंदर जो ग्रेवी बहुत कम बनती है, लेकिन जो बनती है बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो आपने इसको आराम आराम से इसको कढ़ाई को रोटेट करना है, और आपने इसको मिक्स करना है, तो इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पर हम इसमें 4 से 5 कटी हुई मिर्चों को ऐड करेंगे, और इसको हमने फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि यहाँ तक कि इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्च है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर सिर्फ हम 1/2 tablespoon ब्लैक पेपर का ऐड करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसके अंदर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, और हमने भी इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है, जो कि सॉल्ट, ब्लैक पेपर, टमाटो एंड ग्रीन चिलीज़ हैं। तो आप इसने देखें माशाल्लाह, हमने इसको 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद ये हमारी कढ़ाई की फ़ाइनल फॉर्म है। अब आप इसकी जो है बोटी को चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको ये चेक करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, अंदर तक ये बोटी गल चुकी है, और इसके अंदर किसी भी किस्म की कमी नहीं है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी मुकम्मल हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपकी अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।